अलीगढ़ के एक कॉलेज इंतजामिया ने कैंपस में हिजाब और भगवा गमछे को पूरी तरह से बैन कर दिया है। इसके लिए कैंपस में जगह जगह नोटिस भी चिपकाए गए। नोटिस में साफ लिखा है कि तलबा और तलबात ड्रेस कोड के जाब्ते की पासदारी करें। कर्नाटक के उडुपी में शुरू हुए हिजाब तनाजे का असर अलीगढ़ के स्कूलों में भी पहुंच गया है। अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज ने कैंपस में हिजाब और भगवा गमछे को पूरी तरह से बैन कर दिया है। इसके लिए कॉलेज इंतजामिया ने जगह जगह नोटिस भी चिपका दिए हैं। नोटिस में साफ साफ लिखा है कि तलबा और तालिबात ड्रेस कोड के जाब्तों की पासदारी करें। तय की गई ड्रेस में नहीं आने पर उन्हें कॉलेज में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। विद्यार्थी इस तरीके का कोई कार्य ना करें जिससे कॉलेज में जो हार्मोनी है वो डिस्टर्ब हो। वहीं इस मामले पर मुस्लिम तालिबा अदीबा के मुताबिक वो हिजाब तो पहनना चाहती हैं, लेकिन जब बैन कर दिया गया तो वो जाब्ते की पासदारी जरूर करेंगी। जब बैन कर दिया गया तो नहीं आ पाएंगे, वरना तो आ जाते। दूसरी जानिब स्टूडेंट लीडर मोहित चौधरी के मुताबिक कॉलेज में हिजाब टोपी और बुरका पहनकर आने वालों पर बैन लगाने की उन्होंने मांग की थी, जिसकी मुखालफत उन्होंने भगवा कपड़ा ओढ़ कर की थी। कॉलेज प्रशासन से मांग करते हैं कि वो जल्द से जल्द उसे अच्छे तरीके से फॉलो कराए, अन्यथा की स्थिति में हिंदू छात्र वर्ग अपने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए भगवा ओढ़ने को दोबारा से मजबूर होगा। अगर स्कूलों में यूनिफॉर्म की अहमियत कम होने लगेगी तो फिर उसका असर तलबा के डिसिप्लिन पर भी जरूर दिखेगा। ड्रेस कोड तलबा के लिए डिसिप्लिन है, बंधन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी इंडिया।